फॉर्मेशन फॉर नेचुरल एलिमेंट फॉर नेचुरल एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो चीरो नेचुरल एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो चीरो और इसका एप्लीकेशन भी है आगे जो ट्वेल्थ क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें कई जगह हम लोग यूज करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर नेचुरल एलिमेंट जैसे नंबर वन तो आपको ध्यान रखना है हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर नेचुरल एलिमेंट नेचुरल एलिमेंट तो मैंने आपको समझाया नेचुरल एलिमेंट जो है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये जीरो होता है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे या आप स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर नेचुरल एलिमेंट सो नेचुरल एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो जीरो सो हीट ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर नेचुरल एलिमेंट जो नेचुरल एलिमेंट है गिफ्ट भी होता है गिफ्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ये गिफ्ट गिफ्ट फ्री एनर्जी आप जानते हैं गिफ्ट हो नेचुरल एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड हो या गिफ्ट फ्री एनर्जी नेचुरल एलिमेंट के लिए सो so, इसके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जीरो जैसे क्या क्या क्वेश्चन आता है आई टी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन तो फोर्टीन पॉइंट आप जानते हैं सेवेंथ एलोजेंस हैलोजेंस हाइलोजन जो एक्जिस्ट करते हैं डायटोमिक फॉर्म में जो नेचुरल नेचुरल हाइलोजन है नेचुरल हाइल्रोजन जो होता है वो फ्लोरिन ये क्लोरिन ब्रोमिन ठीक है आयोडीन ये जानते हैं ये ये है नेचुरल हाइलोजन इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल हाइलोजन और नेचुरल की बात करेंगे तो इनके बगल में फेज भी लिखना पड़ेगा जैसे ये सॉलिड है आप जानते हैं कि ये लिक्विड है और क्लोरीन गैस होता है और ये भी गैस होता है तो गैस फेज में रहेगा और ये भी है गैस फेज में रहता है जानते हैं इसका कि वॉलेट कलर का सॉलिड है ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड है ये ग्रीनिश येलो गैस है और ये येलो कलर का गैस है कई जगह आपको पढ़ा हुआ है अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ऑप्शन में आईडी एडवांस में पूछा गया था ऑप्शन में अब मैं यहाँ पे कुछ पूछूंगा आपसे आप बताइएगा नेचुरल एलिमेंट का जीरो होता है और ये लोग हैं नेचुरल फॉर्म जैसे ये आपका रिजल्ट है स्टैंडर्ड या मोलर इंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर नेचुरल कोई भी नेचुरल एलिमेंट का जो होगा वो जीरो होगा ठीक है ये रिजल्ट है अब इससे जरा रिलेट करके जरा मैं पूछूंगा आप बताते जाइए बताइए अगर मैं आपसे पूछूँ कि हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन ब्रोमीन ऐसे और यहां मैं लिखता हूँ ब्रोमीन गैस ऐसे तो अब मैं पूछूंगा कि सिर्फ पूछूंगा जीरो या नॉट जीरो जीरो नॉट जीरो आंसर नॉट जीरो कभी जीरो नहीं होगा क्यों क्यों नहीं जीरो क्योंकि ब्रोमीन जो है नेचुरल ब्रोमीन किस फेज में है लिक्विड फॉर्म में है तो ये जीरो नहीं होगा अगर मैं पूछूँ हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन और यहाँ लिक्विड कर दूँ लिक्विड तो बोलिएगा यस यस ये जीरो होगा यस yes, जीरो क्योंकि ये इसका नेचुरल फॉर्म है नेचुरल ब्रोमीन एक्सेस इन द लिक्विड फॉर्म मान लीजिए एग्जाम में आया बोला कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन इन द गैस फॉर्म ऐसे ऐसे मैंने दे दिया तो पूछते हैं इसमें बताइए देख के बताइए जीरो नॉट जीरो आंसर नॉट जीरो कई लोग बोलते हैं क्यों क्लोरीन तो गैस है भाई ये क्लोरीन गैस नहीं है सी नहीं है सी है सी है नेचुरल ये ये नेचुरल फॉर्म है हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं तो हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर नेचुरल तो अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऐसे रहे, CL2 और यहां लिखा रहेगा गैस तब जाके ये नेचुरल फॉर्म में आ गया अब जीरो ठीक है तो नेचुरल नेचुरल स्टेट को फॉलो कीजिए हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलिए आप ऐसे लिखा हुआ बोलिए जीरो आयोडीन आई टू होता है और सॉलिड इसका नेचुरल फेज है जीरो करेक्ट ऐसे अगर मैं ऐसे पूछूं हीट ऑफ फॉर्मेशन आयोडीन लिक्विड ऐसे लिक्विड लिखा रहा है तो बोल रहे हैं नो और जीरो जीरो नहीं नेचुरल तो फेज आपको फॉलो करना है कि नेचुरल स्टेट में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो जीरो होता है ठीक है तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आता है आईटी टी एडवांस में भी पूछ चुका है ऑप्शन फोर ऑप्शन लिखा रहेगा बोलेगा कि किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो जीरो है ठीक है सो so, मैं क्वेश्चन स्कैन करके एड कर दूंगा आप देख लीजिएगा अगर मैंने बताया कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है ठीक है ऑक्सीजन इस फॉर्म में है ओ होता है और ऑक्सीजन ओ टू होता है और ये है ओजोन, ऐसे मैंने आपको समझाया था ठीक है ये है ये इसमें ये वाला जो है ये एक्सेस अमाउंट, ये नेचर में जो एक्सेस अमाउंट हुआ यही बना एक्सेस अमाउंट जो हुआ जो ये बनेगा नेचुरल ऑक्सीजन और नेचुरल ऑक्सीजन ऐसे बनेगा और ये इसका फेज जानते हैं इसका फेज होता है गैस फेज ठीक है तो ये तीन ऑक्सीजन तीनों फॉर्म है हीट ऑफ फॉर्मेशन ये ध्यान रखना है नेचुरल एलिमेंट का जीरो होता है तो इन तीनों में सिर्फ बीच का वो भी आपका अगर गैस फेज में है तो तो आपको ध्यान रखना है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर ऑक्सीजन और यहां पे है गैस फेज में है तो एग्जैक्टली जीरो ये जीरो होगा ऑक्सीजन गैस फेज में रहेगा सर तो ओजोन करें हीट ऑफ फॉर्मेशन ओजोन और ये ये गैस फेज में है तो इसका जीरो नहीं होगा ठीक है ऐसा हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर ऑक्सीजन और ये भी गैस फेज में है तो इसका जीरो नहीं होगा ठीक है ऑक्सीजन ओ का ये ध्यान रखना है मान लीजिए मैंने ऐसे दे दिया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन और ओ टू दिया ओटू और बगल में यहाँ लिख दिया लिक्विड तो अगेन आप मना कर दीजिएगा नो नॉट जीरो सिर्फ नेचुरल वाले का नेचुरल एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है नेक्स्ट कार्बन के दो फॉर्म एक है ग्रेफाइट दूसरा होता है डायमंड है कार्बन और यह है एसपी टू और डायमंड आप जानते हैं कार्बन इसका हाइब्रिडेशन होता है एसपी थ्री एस ठीक है तो यह है ग्रेफाइट जानते हैं ग्रेफाइट एक्सेस अमाउंट है एक्सेस अमाउंट में और इस तरह यह बना नेचुरल नेचुरल कार्बन ये नेचुरल कार्बन बना ठीक है और दोनों सॉलिड है ये भी सॉलिड रहता है ये ग्रेफाइट कोला ये भी सॉलिड है डायमंड ये भी सॉलिड है तो नेचुरल ये हुआ इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा उसका नहीं डायमंड का नहीं ठीक है तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन नेचुरल एलिमेंट के लिए और स्टेट भी रखना है उसमें कि किस स्टेट में तो यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन ग्रेफाइट और वो भी सॉलिड वाला तो इसका जो हो जाएगा वो जीरो हेड ऑफ फॉर्मेशन डायमंड वाला नहीं डायमंड जो सॉलिड है डायमंड उसका जीरो नहीं हो हेड ऑफ फॉर्मेशन पर डायमंड डायमंड है उसका जीरो नहीं ग्रेफाइट का जीरो होगा ग्रेफाइट जो है नेचुरल एलिमेंट है उसका जीरो रहेगा डायमंड का जीरो नहीं सल्फर सल्फर जो कि होता है एसेट के फॉर्म में होता है और ये सॉलिड होता है ये सॉलिड रहेगा तो सल्फर के भी दो इलेक्ट्रोप हैं दो इलेक्ट्रॉप होता है एक बहुत सारे इलेक्ट्रॉप तो बहुत सारे हैं बट रॉम्बिक होता है मोनोक्लिनिक होता है तो रॉम्बिक नेचुरल में आता है रॉम्बिक जो है ना वो इसका सल्फर का नेचुरल सल्फर तो दो सल्फर आप बना लेंगे सल्फर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉप इनगेडिंग में पढ़ेंगे जिसमें आपका रॉम्बिक रॉम्बिक सल्फर यही नेचुरल सल्फर होता है और एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर सो so, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है तो ये नेचुरल में रॉम्बिक रॉम्बिक जो होता है एक्सेस अमाउंट में मिलता है जमीन के नीचे सल्फर भी सॉलिड है एसिड स्टेट होता है ये आपका नेचुरल सल्फर ये हुआ मोनोक्लिनिक मोनोक्लिनिक ये ये आपका एक्सेस नहीं मिलता है तो ये एक्सेस होने के चलते ये नेचुरल सल्फर हुआ तो यहां पे आप लिख लेंगे कि अरोम्बिक सल्फर और सॉलिड सॉलिड रहेगा जीरो मोनोक्लिनिक का नहीं Monoclinic का जीरो नहीं होता है। ये हो गया नेक्स्ट मेटल जितने मेटल है मेटल जो जमीन के नीचे से मिलता है सब तो नेचुरल हो गया ठीक है तो नेचुरल एलिमेंट में मेटल आता है हेड ऑफ फॉर्मेशन फॉर मेटल हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर आ मेटल मेटल के लिए जीरो हो जाएगा ऐसे क्योंकि ये सब भी तो नेचुरल नेचर से मिलता है आपका बोलिए बताइए हीट ऑफ फॉर्मेशन मैंने आपसे पूछा हीट ऑफ फॉर्मेशन और यहां लिख दिया मर्करी और बगल में यहां लिख दिया एस तो ये जीरो या नॉट जीरो तो नॉट जीरो मर्करी नेचुरल मरकरी होता है लिक्विड तो ये आपको पता है ये नॉट जीरो ऐसे करेंगे ये जीरो नहीं है ठीक है क्योंकि आपका जो नेचुरल मरकरी है मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर सब लोग जानते हैं तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नेचुरल मेटल मेटल है मरकरी और यहाँ लिखना है लिक्विड तब जाके इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा ऐसा और कोई मेटल लिखना हो तो बना लीजिए सारा मेटल जानते हैं एल्युमिनियम है जिंक है कॉपर है तो जो लिखना हो सारे तो सॉलिड स्टेट में जनरली सब तो सॉलिड स्टेट ही है मेटल हीट ऑफ फॉर्मेशन एल्युमिनियम सॉलिड सॉलिड स्टेट में मिलता है तो जीरो हीट ऑफ फॉर्मेशन कॉपर सॉलिड स्टेट में है इसलिए ये जीरो हीट ऑफ फॉर्मेशन सोडियम यह भी है सॉलिड स्टेट में इसलिए जीरो सो लिक्विड फॉर्म है लिक्विड फॉर्म मरकरी लिक्विड होता है तो नेचुरल ये हुआ ये फॉर्म नहीं होगा तो क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड करता हूँ इस इसके लिए कि हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर्म नेचुरल एलिमेंट के लिए फोर्टीन so पॉइंट हो गया फिफ्टीन और एक दो रिजल्ट और है। तो फिफ्टीन जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक भी होता है एंडोथर्मिक भी होता है ठीक है तो उससे आपको समझना है हीट ऑफ फॉर्मेशन बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें दोनों नेचर होता है कुछ रिएक्शन में एक्सोथर्मिक हो जाएगा कुछ रिएक्शन में एंडोथर्मिक होता है तो बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन तो इसमें आपको कंपेयर करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट होगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का तो सिंपल सा आप थोड़ा ग्राफ के फॉर्म में आप प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे तो मान लीजिए मान लीजिए कि कोई ऐसा नंबर वन इस तरह से मैं अब बनाया ऐसा ये ग्राफ हुआ इस साइड का ग्राफ होता है टाइम के साथ होता है या कई लोग प्रोग्रेस के साथ लिखते हैं रिएक्शन का प्रोग्रेस और टाइम के साथ और यह है एनर्जी ये एनर्जी एनर्जी का ऐसे ग्राफ सो मान लीजिए ऐसे ग्राफ में प्लॉट किया इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया ऐसा ये है प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट हो ऐसा। तो ये रिएक्शन जो हो जाएगा वो एक्जोथर्मिक प्रोडक्ट नीचे आया प्रोडक्ट जो है ये लाइन लाइन रिएक्टेंट के के नीचे आया तो ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं एक्मिक और ऐसे ग्राफ में प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल होता है प्रोडक्ट जो है मोर स्टेबल क्योंकि जिसका एनर्जी लो रहेगा देखिए ये रिएक्टेंट ये एनर्जी का ग्राफ है और रिएक्टेंट से अगर लो एनर्जी कई बार पढ़ा होगा आपको आगे ट्वेल्थ में भी कई बार पढ़ेंगे आप कि अगर ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट प्रोडक्ट का लाइन अगर नीचे है रिएक्टेंट के नीचे है लो एनर्जी जिस सिस्टम का भी एनर्जी लो रहता है वो होता है मोस्ट स्टेबल तो ये है आपका प्रोडक्ट जो होता है ये कहलाएगा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट तो ये प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ठीक है ऐसा ठीक है और ये ग्राफ आप जानते हैं ऐसे ग्राफ को हम लोग साइंस में बोलते हैं एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच डेल्टा एच होता है वो निगेटिव होता है और डेल्टा एच लेस देन जीरो यही है डेल्टा एच डेल्टा एच तो यही वाला कहलाता है तो ये जो गैप है दोनों के बीच में ये गैप तो एनर्जी जितना लो रहे प्रोडक्ट का वो मोस्ट स्टेबल होता है वो प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल रहेगा निगेटिव है वैल्यू नेक्स्ट तो फॉर्मेशन दोनों होता है फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है हीट ऑफ फॉर्मेशन निगेटिव भी होता है और एंडोथर्मिकल ग्राफ ऐसे होता है यह है टाइम या प्रोग्रेस ये एनर्जी के लिए ग्राफ है ऐसे। और ये जो है आपका मान ली ये रिएक्टेंट है और कुछ प्रोडक्ट ऐसे बना इस तरह से ये प्रोडक्ट ऐसे और ये रिएक्टेंट है अगर प्रोडक्ट का लाइन रिएक्टेंट के लाइन से ऊपर है तो ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। प्रोडक्ट लेस स्टेबल है क्योंकि इसका एनर्जी जो है हाई एनर्जी जिस सिस्टम का हाई होता है वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट होता है तो आप जानते हैं यहां का जो प्रोडक्ट हुआ वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट ये तो ये है आपका डेल्टा एच और ऐसे रिएक्शन को हम लोग साइंस में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक जिसका डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है डेल्टा एच ग्रेटर देन ग्रेड तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का दोनों नेचर होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन कुछ रिएक्शन के लिए निगेटिव होता है कुछ रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होता है और इससे क्वेश्चन आता है और इससे ध्यान रखना है कि एनर्जी जितना लो रहे उतना स्टेबिलिटी हाई होता है और एनर्जी जितना हाई रहेगा स्टेबिलिटी होता है लो ठीक है तो ये है हाँ आपका हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं इन सब कॉन्सेप्ट को पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं आगे ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ना होगा आपका ग्राफ जो है वो ये है आपका ये ग्राफ है मतलब आप जो है आप अभी एज ए स्टूडेंट अभी रिएक्टेंट हैं यहाँ पे हैं और बहुत ज़्यादा वर्क करना है दस घंटे डेली पढ़ना है दो साल तक एकदम कंटिन्यूस स्टडी करना है और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एफर्ट लगाना है एक्टिवेशन एनर्जी जो ट्वेल्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे और जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे बहुत एक्सेस वर्क करेंगे देन जाके आफ्टर फोर ईयर फाइव ईयर इंजीनियरिंग है स्टूडेंट है तो फोर ईयर मेडिकल स्टूडेंट है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो आप बनेंगे ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट और ये है मनी मनी रिलीज करता है एक्सेस मनी रिलीज करेगा तो अभी आपका रिएक्टेंट फेज है और आपका लाइफ जो है आफ्टर फाइव ईयर सिक्स ईयर जो है आपका इस फेज में आ जाएगा जो कि मोस्ट स्टेबल लाइफ जो हुआ और वो कैसे मोस्ट स्टेबल गेन करेंगे हार्ड स्टडी फास्ट स्टडी डेली आपको टेन आवर सेल्फ स्टडी करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो कि हम लोग कई बार डिस्कस करते रहते हैं ये ग्राफ जो है वो लेस स्टेबल अगर आप स्टडी नहीं करेंगे एक घंटे दो घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो आपके लिए ये ग्राफ है कि आपका जो अभी जो फेज है उससे भी लेस स्टेबल हो जाएंगे अभी जैसे पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है पेरेंट अभी पैसा दे रहे हैं आफ्टर फोर ईयर फाइव ईयर सिक्स ईयर पेरेंट पैसा देना बंद कर देंगे एंड आपकी लाइफ इससे भी खराब हो जाएगी लेस स्टेबल बनेगा अगर आप एक घंटे दो घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो So, हम लोग कई बार सब डिस्कस किए हुए हैं तो हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों ग्राफ फॉलो करता है ये मोस्ट स्टेबल लेस स्टेबल एंडो एक्सो दोनों ग्राफ फॉलो करता है इससे क्वेश्चन भी आता है थ्री क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है पैकेज में थर्ड पॉइंट क्वेश्चन लिखा हुआ पैकेज में कि यहां पे स्टैंडर्ड इन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन और सीओ टू अमोनिया एच आई सो स्टैंडर्ड एन ओजोन के लिए लिखा हुआ ओजोन है और फिर सीओ टू अमोनिया एच आई टू डाटा लिखा हुआ है अमोनिया एच आई क्या क्या डाटा है देखते हैं सो वन फोर्टी टू पॉइंट टू वन फोर्टी टू पॉइंट टू यह प्लस वन फोर्टी टू पॉइंट टू यहाँ है माइनस थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट थ्री पर मोल वाला डाटा है और यह है माइनस फोर्टी सिक्स पॉइंट टू माइनस फोर्टी सिक्स पॉइंट टू और यह है आपका माइनस प्लस ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन किलो जूल मोल प्लस ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन सारा यूनिट है किलो जूल पर मोल में पेपर में लिखा हुआ हमें चाहिए था इसमें पूछा गया है पेपर में कि नाउ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे बनाना तो यह फॉर्मेशन कर रहे हैं और फॉर्मेशन में ये आपका डाटा लिखा हुआ है अब आपको बताना है कि इसमें मोस्ट स्टेबल कौन है लेस स्टेबल कौन है एकदम आसान सा क्वेश्चन तो मैं फोर कलर ले लिया चलिए सो so हम लोग देखते हैं यह है टाइम प्रोग्रेस और यह है एनर्जी एनर्जी का ग्राफ यहां से स्टार्ट करते हैं और देखिए यहां पे ये निगेटिव डाटा सबसे लो डाटा ये सबसे, तो सबसे data, थे से? हम लो डाटा है प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं यहां से ले रहे हैं एक जगह से ले रहे हैं यहाँ पे रिएक्टेंट ऐसे रिएक्टेंट का जगह हम लोग ये ले रहे हैं एक ही जगह से उठा रहे हैं और देखिए यहां पे ऐसे सबसे नीचे सबसे नीचे इस लेवल के सबसे नीचे सबसे नीचे जो है ये एकदम नीचे निगेटिव एग्जोथर्मिक ये नीचे कौन बैठा हुआ है तो नीचे सबसे लो डाटा ये देख रहे हैं आप ये तो दिख रहा है कि एक्सोथर्मिक है दोनों तो निगेटिव एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक ग्राफ नीचे आता है और सबसे लो डाटा है इसके लिए सीओ टू सीओ टू का डाटा सबसे लो क्योंकि तो ये गैप बहुत ज़्यादा है माइनस थ्री थ्री उसके बाद उसके बाद आ गया ये निगेटिव निगेटिव में दो लोग है ये और ये निगेटिव है तो ये है अमोनिया पॉजिटिव पॉजिटिव में एक है आपका एच आई ये है एच आई तो इस लाइन से ऊपर पॉजिटिव डाटा है और एक और है आपका सबसे ज्यादा ओजोन ओजोन है ओजोन है देखिए ऐसा ये तो ये आप देख रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा ये ये गैप गैप आपको फॉलो करना होता है ये पॉजिटिव है दो डाटा पॉजिटिव है और दो डाटा निगेटिव है ये ये जो है आपका गैप यहाँ से ये वाला जो गैप है ये ये डाटा सॉरी अब तो हो गया है ऐसा तो आपका बन गया है बस मुझे दिखाना था कि ये जो गैप होता है यही गैप जो होता है यहाँ से यहाँ का जो गैप है ये 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 जो गैप हुआ वो है थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट थ्री गैप ये जो गैप हुआ यहाँ से इसका गैप हुआ ये ये जो ए, डाटा जो है ये गैप हुआ अमोनिया अमोनिया के लिए 46.2 46.2 ठीक है 46 ये जो गैप पॉजिटिव हुआ ऊपर की तरफ तो ये है 25.9 ये वाला डाटा ये 25.9 ये ये डाटा है और ये डाटा सबसे बड़ा है ये वाला ऐसे पॉजिटिव साइड में बड़ा है 142.2

एच आई ओजोन तो हीट ऑफ फॉर्मेशन से आपको स्टेबिलिटी भी अरेंज करना है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरेटिकल पार्ट है और नौ और है पैकेज में एक क्वेश्चन और है तो आसानी है आपको मैंने समझा दिया अब आप बन जाएगा क्वेश्चन फोर्थ पॉइंट ज फॉलोइंग वैल्यू हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेटेड और लिस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बताइए लिस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ए बी श्रीडी यह है हीट ऑफ फॉर्मेशन सो हेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ है आपका ये माइनस नाइन्टी फोर टू थर्ड माइनस नाइन्टी फोर किलो कैलोरी माइनस टू थर्टी वन पॉइंट सिक्स सेम यूनिट है किलो कैलोरी प्लस ट्वेंटी वन पॉइंट फोर सिक्स प्लस ट्वेंटी वन पॉइंट फोर प्लस सिक्सटी फोर पॉइंट एट इन so, चारों में से मुझे चाहिए लिस्ट स्टेबल प्रोडक्ट आंसर है डी क्योंकि ये दोनों है ये दोनों डाटा तो एक्सोथर्मिक है वो तो ग्राफ नीचे आएगा रिएक्टेंट से नीचे जाएगा ये दोनों डाटा पॉजिटिव है एंडोथर्मिक और उसमें सबसे ज्यादा गैप जो है वो डी लास्ट तो मैं क्वेश्चन स्कैन स्कैन करता हूँ अभी नेक्स्ट पॉइंट सिक्सटीन छोटा सा पॉइंट है हीट ऑफ फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नोवेकल अभी बाकी है हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ कम्बसन दोनों कंप्लीट होता है फिर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्टीन uh, एक टर्म है डिसोसिएशन हीट ऑफ डिसोसिएशन एग्जैक्टली रिवर्स है इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन का उल्टा करना है तो हीट ऑफ डिसोसिएशन हीट ऑफ डिसोसिएशन ये है रिवर्स ऑफ हेड ऑफ फॉर्मेशन हेड ऑफ फॉर्मेशन सो हेड ऑफ फॉर्मेशन जो आप पढ़े हुए हैं उसका उल्टा कर लीजिए ठीक है हेड ऑफ फॉर्मेशन जैसे था उसका उल्टा करना है ठीक है हेड ऑफ फॉर्मेशन में आपने क्या बोला था

H defined as the amount of heat evolved, heat evolved or absorbed when. वन मूल ऑफ कंपाउंड कंपाउंड डिसोसिएट इंटू इट्स नेचुरल एलिमेंट वो उल्टा करना है उसका जो फॉर्मेशन है उसका उल्टा करना है इंटू इट्स नेचुरल एलिमेंट एलिमेंट तो सेम जैसे फॉर्मेशन था बस उसका उल्टा है ये भी रहेगा एंडोथर्मिक ये एक्सोथर्मिक दोनों होता है तो डेल्टा एच डी हीट ऑफ डिसोसिएशन हीट ऑफ डिसोसिएशन ये पॉजिटिव भी होता है ये निगेटिव भी होता है दोनों हो सकता है जैसे फॉर्मेशन है उस तरह ये भी तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक एंडो और एंडोथर्मिक तो ये है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक एग्जाम्पल बस उसका उल्टा लिख लीजिए आप जानते हैं जैसे फॉर्मेशन का उल्टा है ये तो बस उसका उल्टा जैसे कोई एग्जाम्पल लिख ले लीजिए आप जानते हैं जैसे ये है फॉर्मेशन ऑफ ये है फॉर्मेशन ऑफ सीओ टू सीओ टू बनाना है सीओ का फॉर्मेशन ठीक है तो टू का फॉर्मेशन है तो कार्बन यहां पे ठीक है आप जानते हैं कि कार्बन है सॉलिड ठीक है और वो है ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन आप जानते हैं गैस और ये बनेगा यहाँ से CO2 और यह भी होगा गैस रिलीज करता है यहाँ पे ये है 94 और किलो कैलोरी ऑफ परमूल ये, ये ऐसा हो ये जानते हैं कि ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 ये CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन है कितना तो माइनस और नाइनटी फोर और किलो कैलोरी मोल हीट ऑफ फॉर्मेशन हुआ तो आप जानते हैं यह फॉर्मेशन है इसी को रिवर्स कर लीजिए रिवर्स करिएगा डिसोसिएशन हो जाएगा उल्टा कर लीजिए यह फॉर्मेशन रिवर्स करते हैं रिवर्स करेंगे तो इसको रिवर्स करना है जैसे डिसोसिएशन ऑफ सियटो तो so, यहाँ पे CO2 बना लेंगे और गैस कर लेंगे ये आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं ये 94 किलो कैलोरी पर मोल और यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि कार्बन और मैं इधर कर देता हूँ सो डिसोसिएशन ऑफ CO2 आप बस उसी को रिवर्स करना है ये है CO2 है और गैस हुआ और ये है 94 स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है किलो कैलोरी पर मोल ऐसे और ये जो आप लिखेंगे यहाँ पे कार्बन जो कि सॉलिड है और ये है ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन वो गैस है तो ये होगा डिसोसिएशन हीट ऑफ डिसोसिएशन फॉर्मेशन है उसी का उल्टा रिवर्स करना आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीओ टू गैस ये जो हीट है उसको उस साइड लिख सकते हैं कार्बन सॉलिड और वो भी ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन गैस और इस डाटा को ऐसे लिख सकते हैं माइनस नाइन्टी फोर कैलोरी पर मोल ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ आप लिख सकते हैं कि हीट ऑफ डिसोसिएशन ये हीट ऑफ डिसोसिएशन हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सियोटू टू गैस का जो हीट ऑफ डिसोसिएशन है वो यहाँ पे अगर ये माइनस साइन है तो इधर लिखना पड़ेगा प्लस नाइन्टी फोर कैलोरी पर मोल ऐसे तो बस फॉर्मेशन जो आपने पढ़ा है उसी को रिवर्स कर लेंगे तो वो बन जाता है डिसोसिएशन ऐसे ये और देख रहे हैं दोनों आपका डाटा मैग्नीट्यूड में सेम है और साइन में उल्टा है तो ये एक साइंस साइंटिस्ट का रूल भी है तो आप देख रहे हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ डिसोसिएशन ऐसे इक्वल इन मैग्नीट्यूड ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ डिसोसिएशन मैंगचूट में बराबर है और साइन में अपोजिट है तो मैंग करेंगे तो दोनों सेम होगा बट साइन में अलग देखिए मैंगच दोनों का सेम है एक पॉजिटिव है तो बस एक नेगेटिव है मैंगचूट सेम और साइन अपोजिट है किसको बोलते हैं लेबोजेर एंड लाप्लास्टला ये छोटा सा बहुत छोटा सा रूल है ये छोटा सा रूल है ठीक है क्या लॉ है इसमें कि हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ डिसोसिएशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन बस छोटा सा रूल ये So, यहां पे आपका सिंपल सा आपका स्टेटमेंट है द हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ डिसोसिएशन एंड हीट ऑफ डिसोसिएशन The heat of formation and heat of dissociation are equal in magnitude, equal in magnitude and opposite in sign in sign. सो तो साइन अपोजिट रहेगा ये एक प्लस है तो दूसरा माइनस होता है सिंपल सा एंड प्ला, हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिजल्ट कंप्लीट हुआ अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हीट ऑफ कमर्सन डिस्कस करेंगे और जब कमर्सन कंप्लीट होगा तो फिर क्वेश्चन क्वेश्चन का प्लानिंग करेंगे